मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरसिंहपुर में लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहनों को राज्य सरकार प्रति महीने 1250 रुपए की राशि दे रही है, जिसका उपयोग बहनें अपने परिवार को चलाने के लिए करती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर 10 तारीख को लाडली बहन योजना की राशि के साथ उन्हें 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। यह राशि प्रदेश की 1.29 करोड़ बहनों के बैंक के खातों में अंतरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व सभी त्योहारों से बड़ा है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम को प्रदर्शित करता है। के लिए हम आए हैं यहाँ के हमारे लोकप्रिय नेता और भारत सरकार के भी मंत्री रहे, प्रदेश सरकार के मंत्री यशस्वी श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी, इस अवसर पर माननीय विधायक हमारे मुलाम भैया, महेंद्र भाई और यहाँ सांसद हमारे चौधरी दर्शन सिंह जी, इस अवसर पर मुन्ना भैया सहित यहाँ सभी नेताओं के साथ हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के अपार उत्साह के साथ इस त्यौहार की जो हमने कल्पना की थी उससे ज्यादा अच्छा ये कार्यक्रम हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई।